गुड मॉर्निंग, और आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैं पहुँच चुकी हूँ द्वारका, सेक्टर 12। आज मॉर्निंग में मैंने जिस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करती वैसे नहीं हुआ, उसका कारण अरायना को कल से बहुत ज़्यादा फीवर है। आज वो स्कूल भी नहीं गई है, कल दिन से उसको बहुत ज़्यादा फीवर है, और रात को भी फीवर था। दवाई दी थी बट उतरा नहीं उसका फीवर, और अभी मॉर्निंग में भी उसको बहुत फीवर था तो स्कूल भी नहीं भेजा। और मैं अभी ऑफिस से होके वापस जाती हूँ, अगर तब तक भी नहीं उतरेगा तो उसको मुझे लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और फिलहाल के लिए आपको थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, और बाकी क्या अपडेट है वो फिर देती हूँ। गाइज, हम लोग आए हुए हैं बैंक में, ये रजनी का कुछ काम था तो इन लोगों ने हमको आधे घंटे बिठा दिया। अरायना की तबीयत ख़राब है, वो अब बस होने वाला है हमारा काम, तो मैं जाके उसको देखती हूँ तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। लड्डू राधा मुरली को बेचारों को आज भोग भी नहीं लगाया है और खुद भी नहीं खाया, जिया ने भी नहीं खाया, उसने तो कुछ खाया ही नहीं है। बाकी अब अपडेट आपको देती हूँ घर जाके, कैनरा बैंक में बैठे हुए बुला लेंगे। तो गाइज, राधे राधे। और आज मॉर्निंग में इनके दर्शन नहीं करा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आज हड़बड़ी थी, और हमारी नन्नी जो है वो बीमार भी थी। तो अभी आप दर्शन कीजिए, ये रही हमारी राधा रानी, मेरी क्यूटी पाई, मेरी लाडली, और लाडले बाबू हमारे लड्डू, और ये हैं हमारे मुरली जी, और ये हैं हमारे गणपति पप्पा। तो आज मैं फूल तोड़ने नहीं जा पाई क्योंकि जिया बीमार थी, उसको बुखार था। और मैं देखिए, जो कल मैंने मोदक बनाए थे वो मैंने भोग लगाया हुआ है। आज सुबह इनको सिर्फ चाय दे पाई मैं और फ्रूट्स दे के चली गई थी, अभी दिन में ही सारा भोग लगाया। फिर मैंने पहले मैंने मोदक का स्नान करा के आज इनको तैयार भी दिन में किया है, इसलिए तो मैं सुबह आपको दर्शन भी नहीं करा पाई थी। फिर मैंने मोदक का भोग लगाया, इनको खाते समय मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, अब ये खा चुके हैं और ये हटाने की बारी है, काफ़ी देर से रखा हुआ है। तो मोदक का भोग लगाया, और उसके बाद मैंने आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी, इसका भी भोग लगाया है। मैंने कहा कि आज सुबह अच्छे से खाना नहीं हुआ तो आप आराम से खाओ पियो। और नन्नी यहाँ पे सो रही है, इसको अभी भी बुखार है, तो अभी हम शाम को जाएंगे डॉक्टर के पास और उसके बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ क्या रहता है। पति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, ये मेरी जिया ने, मेरी नन्नी ने बनाए हैं गणपति जी। कल दिन से तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, और ऐसा बुखार पिछले 2-3 सालों के बाद उसको आया है, लेकिन कल वो जब ठीक थी तो उससे पहले उसने गणेश जी बनाए थे। और देखिए, बहुत बढ़िया बनाए हैं, पेपर पे, अपनी ये फाइल पे बनाए हैं उसने, ये बहुत अच्छे बनाए उसने, बहुत अच्छे। कितनी तारीफ़ करूँ, अभी सो गई है ना, तभी थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ ना, अभी जगी होती तो फिर ज़्यादा स्टाइल मारती ना फिर तो। लेकिन बहुत अच्छे गणेश जी बनाए हैं इसने। तो अभी इवनिंग में इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, दवाई दिला करके इसको लेकर के आई, और अभी इसका बुखार भी उतर गया है, थोड़ा सा इसने खाना भी खाया है, तो सब ठीक है। दिन ढलते ढलते सब चीज़ ठीक हो गई है, तो ये सब चलता रहता है। कहते हैं कि अगर बुखार वगैरह आता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसकी परीक्षा होती है, वो कोई बात नहीं। और इसी के साथ, गणपति जी के साथ जिया के आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। इससे पहले मैंने जो 2 छोटे-छोटे 3-4 मिनट के ब्लॉग्स डाले हैं वो सेपरेट मैंने इसीलिए किए हैं क्योंकि एक ही ब्लॉग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो मैंने मलाई से घी बनाने का ब्लॉग बनाया था छोटा 3-4 मिनट का, उसको मैंने सेपरेट कर दिया, और मोदक बनाने की वीडियो को मैंने सेपरेट कर दिया था। तो आई होप इसका बुरा ना मान जाए कोई कि ऐसा क्यों किया, ऐसा ही मन किया मेरा, ऐसा कर दिया। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे कल एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ में। और तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गणपति बप्पा मोरिया, श्री राधे, हरे कृष्णा।